दोस्तों, नहाना किसको नहीं पसंद होता है, और अक्सर गर्मियों में। लेकिन कुछ लोग ठंडे पानी से नहाते हैं तो कुछ लोग गर्म पानी से। आज की वीडियो में दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ गर्म पानी से नहाने के 5 जबरदस्त फायदों के बारे में, जिसको जानकर आप हो जाएंगे हैरान। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में क्या 5 बदलाव आएंगे, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर पहली बार आए तो मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गर्म पानी से नहाने से हमारा जो शरीर होता है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो सर्कुलेट होता है। ठंडियों में अक्सर हमारा ब्लड फ्लो धीरे धीरे हो जाता है। गर्म पानी नहाने से हमारे शरीर का टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जितना भी ब्लड होता है वो फ्लो करता है अच्छे से, और हमारा शरीर अच्छे से रेगुलेट कर पाता है। नंबर दूसरा दोस्तों, गर्म पानी हमारे शरीर को नेचुरल डिटॉक्स देता है। आप अपने शरीर को बाहर से कितना भी साबुन लगा के साफ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके शरीर को अंदर से साफ करना है तो आपको खूब ढेर सारे पसीने की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप पसीना होते हैं ना, गर्म पानी नहाने से कुछ देर आप रुकिए तो आपका शरीर डिटॉक्स नेचुरली तरीके से होता है, और जब डिटॉक्स होता है आपका शरीर, तो आपका शरीर अंदर से तंदुरुस्त होता है। नंबर तीसरा, गर्म पानी दोस्तों नहाने से हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। अब यार, जब शरीर, मैंने बताया ना, डिटॉक्स होगा तो आपके शरीर के जो डेड सेल्स होते हैं वो खत्म होते हैं और नए सेल्स उभर के ऊपर आते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर जो धीरे धीरे करके हमारे पूरे ओवरऑल चेहरे ही क्यों, पूरे बॉडी पे एक निखार, एक ब्राइटनेस, एक गोरापन नजर आता है। नंबर फोर्थ दोस्तों, हमारे शरीर के ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है। गर्म पानी का सेवन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, वायरस होते हैं, हमारे शरीर के बॉडी पे लगे रहते हैं, हमें मालूम चलता है। उससे नहाने से दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरियाज वायरस रहते हैं वो सभी मर जाते हैं, जिस कारण हमें दाने मुहांसे से प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। नंबर 5, ठंडियों की बता रहा हूँ, ये फायदा है, ये है दोस्तों कंट्रोल टेम्परेचर। ठंडियों में कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर बहुत ज़्यादा कंपाता है। दोस्तों, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे शरीर की जो टेम्परेचर होती है वो मिनिमल टेम्परेचर होती है, वो कंट्रोल में आती है और हमें ठंड से बचाव मिलता है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप भाई ठंडी में ही कीजिएगा, अब ये नहीं कि वीडियो देख लिया भाई धूप है गर्मी है पानी खोला के बैठ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जो फायदे मिलेंगे दोस्तों मेनली आपको ठंडियों के दिनों में देखने को मिलेंगे। हाँ, हल्के गर्म पानी से नहा सकते हैं, ज़्यादा गर्म पानी ना कीजिएगा, वरना इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान के लिए दोस्तों देखिएगा अपना अगला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगा तो मेक श्योर हमारे चैनल करिए सब्सक्राइब, और वैसे हेल्थफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल करिए सब्सक्राइब, वीडियो करें एक लाइक, कमेंट करें अपना ओपिनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।